जा रहा है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं जा रहा है। So firstly, this was our very humble attempt, हमारी छोटी सी कोशिश थी to recreate the magic that you all created in Kashmir. Please tell us very honestly, were we successful? पहले तो सबका थैंक यू आने के लिए, और आफ्टर बहुत समय के बाद टी सीरीज के ऑफिस में ऐसा सॉन्ग का लॉन्च का इवेंट करा है, सो थैंक्स टू टी सीरीज टीम, थैंक्स टू एवरीबॉडी एंड थैंक्स टू मृणाल मैम अपनी डेट्स देने के लिए। बट आई थिंक आपने बहुत प्यारा करा है, एंट्री बहुत प्यारी है, और या एंड आई फेल्ट द सेम द वे वी आर फीलिंग इन कश्मीर। मेन होता है कोशिश करनी चाहिए, सक्सेसफुल हो ना हो वो बात की बात है, सो हमने कोशिश करी, आई थिंक उस पर वही सबसे बेस्ट है, और थैंक्स टू एवरीबॉडी फॉर कमिंग यहाँ पे। और वो कोशिश डेफिनेटली रंग लाई, वो दिख रहे हमारे सारे चेहरों पर, इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेट पर मैं जब एंटर करी थी तो आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग चिली, मुझे लगा कश्मीर आ गए आज। बट थैंक यू फॉर अरेंजिंग ऑल ऑफ दिस एंड इट्स सो लवली टू सी यू ऑल येट अगेन आफ्टर यस्टरडे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी कुड डू दिस इन पर्सन, एंड बहुत दिनों बाद प्रीव्यू थिएटर में बैठ कर कुछ देखा है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सॉन्ग and yeah, thank you for your love, and definitely isse behtar mauka hame nahi milta. Listen, I yeah, and I have to say that working with Guru has been like an extraordinary experience, because I think I discovered that he's not just a talented artist but such a good soul. He'll always make sure, Mrunal, have you eaten, have you taken, you know, here also, like, you walk first, and so nice and overwhelming to share my screen space with him. And you know, when I was watching, this is the first time hum dono ne saath mein dekha, to jab wo khoon aa raha was, oh my god, first time you all saw the video as well? Yes, oh wow, the final one, the final one. So it was very overwhelming, like, Guru, no. Our reactions are like, and I can vouch for it, because when you were watching the video, since I watched it before, main aapke expressions dekh rahi thi, you were actually like this, you're feeling it just like how all of us were feeling. Thank you so much. And definitely jo shaadi ki aap baat kar rahe ho, aap dono ke chehron se jhalakti hai, the beautiful smiles that you have on your faces, it depicts your humility towards all of us. Thank you for being here. And before I invite our team as well, one quick question, you were talking about working with him in Kashmir, to humne sare BTS videos, pictures tumhare Instagram pe dekh liye dono ke, tell us how much fun was it shooting with each other? Needless to say, हमने देख लिया, हमने बहुत फन और मस्ती कर लिया, but I want to hear from you all. मेरी जो वीडियोस हमेशा रहती हैं, they are not storytelling. मेरी वीडियो में एक गाड़ी होती है, मैं होता हूँ, एक लड़की होती है, मैं उसको चेस करता हूँ, और फिर हम कहीं रूम में चले जाते हैं, और फिर गाने में बीट होती है, और गाना सुपरहिट हो जाता है, और बट उसको हमने ब्रेक करा इस वीडियो में, और इसमें थोड़ी एक्टिंग थी, फिर मृणाल से मैंने सीखा एक घंटे में पूरी एक्टिंग कैसे करते हैं, तो इन्होंने मेरे को सिखाया जाते ही। बट क्या होता है, जब आप इतने टैलेंटेड आर्टिस्टों के साथ काम करते हो जिनको एक्टिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो यू एंड अप एक्टिंग लाइक देम, क्योंकि आपको लगता है कि उनकी ज़्यादा अच्छी ना हो जाए तो आप पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हो। मेरे में मुझे एक्टिंग उतनी सी आती है, मेरे को गाड़ी चलानी आती है एक्टिंग में, तो इसमें इन्होंने मेरे से बाइक चलवाई है बट करते करते मैंने भी कुछ अच्छी एक्टिंग करी है गाने में, आई थिंक मुझे फील हुई जब मैं वीडियो देख रहा था। बट मृणाल के साथ शूट करके बहुत मज़ा आया। आशीष भाई का थैंक यू फॉर द अमेजिंग वीडियो, फॉर मेकिंग अस फील कम्फर्टेबल ऑन द सेट, और इट्स वेरी न्यू फॉर मी दिस जॉनर ऑफ म्यूजिक एंड दिस टाइप ऑफ लिरिक्स, और ऐसा म्यूजिक मेरे लिए बहुत नया है, और एक्टिंग भी मेरे लिए बहुत नई है। बट लेट्स सी, आप सबको, आपको तो अच्छा लगा मुझे पता है, अगर जिसको अच्छा नहीं लगा वो जा सकता है बाकी ऑडियंस को कैसा लगता है वो अभी पता चलेगा जब सब गाना सुनेंगे। थैंक यू सो मच, लेट मी टेल यू, वी ऑल आर लविंग दिस न्यू साइड ऑफ योर्स एंड वी वांट टू सी इट मोर। योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद, ओह लवली, लाइक आई मेंशनड अर्लियर,
But like all people love him so much. Like even in Kashmir, those aunties and those girls, they would like just like even those that guy. He came to him, and because he couldn't meet him, they had tears in their eyes. And the way Guru was with his fans is just like, I felt really good to shoot with a wonderful soul. And I have tortured him on set. We were on that snowmobile, and I was like, don't worry, Guru. I got him in his bed now. So, kafi aise moments hai jahan pe I have asked him to trust me, but because they didn't trust, and there were a lot of people who were not trusting me driving that car in the middle of, if you see the beginning of the song when it opens, so I had to drive the car and everyone was scared because under wo khai jaisa tha udhar. But that was also on a bucket list, so that got done through this song. And just want to thank T-Series for this opportunity and introducing me to this wonderful soul standing next to me. And I hope that this is not the last one. I just want to keep working with him again and again. And wo acting wali baat, wo jhoot hai, he's very talented. Thank you so much. That is so amazing to know. And since you said it was amazing working with him, it is very important to have a great team when you're creating magic like this on the screen. And we are humbled to have with us none other than Manan sir and Virag sir. Requesting you to kindly join us as well. तो ये जो स्टार्टिंग में सर आपने वीडियो शेयर करी थी अपने इंस्टाग्राम में जहाँ पे आपने बोला था कि कहते थे जो छोड़ दो सारी बुरी आदतें वो आज हमारी सबसे बुरी आदत बन चुकी है. इन दैट पोस्ट यू रोट दैट व्हेन आई सेड दिस यू फेल्ट दिस. लेट मी टेल यू व्हेन यॉल सेड दिस ऑल ऑफ अस फेल्ट इट. इट वॉज ब्यूटिफुल. लव द लिरिक्स, लव द म्यूजिक. प्लीज टेल अस हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, कंपोजिंग द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स राइटिंग फॉर द सेम. सो यू नो फॉर मी मेरा गाना स्टार्ट होता है भूषण सर से, खत्म होता है भूषण सर पर. सो जब मैंने ये सॉन्ग बनाया था तो यू नो वाज लाइक के एक थॉट था मेरे दिमाग में, एक फील थी, एक कैरेक्टर था कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो ये कह रहा है कि ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप मुझको. तो ये वाली बात जब मैंने सर से शेयर करी, सर ने देन फिर विराग सर आए ऑन बोर्ड, देन फिर मेरे लिए एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि सर से सजेस्टेड कि गुरु भाई इसका लेट्स यू नो टेक गुरु भाई. तो मैंने कहा डन सर, करते हैं. एंड मुझे लगा था हम बहुत सारे सेशंस रखेंगे, हम बहुत सारे रिकॉर्डिंग के वो रखेंगे और ये बहुत सारी चीज़ें लगेंगी. बट यू नो लाइक मैम सेट के ना गुरु इज सो नाइस टू वर्क विद, एक बहुत ही हंसता खेलता इंसान है ना. हमने चाय पीते तब तक मैं गाना डब कर ली, मुझे पता ही नहीं लगा एक्चुअली घुटते मैं गाना कर लिया. इट्स अ सैड सॉन्ग एक्चुअली, वन टेक विद इट, दस वन टेक, उसके बाद इज नो टेक. भाई ने बोला भाई मैंने अच्छा गा दिया, हो गया था बहुत अच्छा. एंड इट वाज गुड. डायरेक्ट मेरा क्या है, जब मैं रिकॉर्डिंग का मोस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर आई मायसेल्फ कंपोज मायसेल्फ, तो आई हैव दिस लिबर्टी ऑफ सिंगिंग व्हाटएवर इज आई विल सिंग, बिकॉज़ देयर इज उसमें किसी का वो नहीं, क्वेश्चन नहीं रहता. बट व्हेन जब मेरे को नए लिरिक्स मिलते हैं कहीं से या नया म्यूजिक कंपोजर की एक नई सोच के ऊपर गाना पड़ता है, उसमें भी मुझे लगता है कि जो मैंने गा दिया वो परफेक्ट है. तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस अभी मैंने ऐसा गाया है, इससे अच्छा मैं गा नहीं सकता हूँ और इससे बुरा भी नहीं गा सकता हूँ. तो दिस इज़ माई बेस्ट वर्जन ऑफ द सॉन्ग. एंड अगर मेरे को फील हो गया तो मैं फिर वही रखता हूँ. एंड सेम अपन विद मनन भाई, हमने इनके स्टूडियो में गुड़गांव वाज वेरी वेरी यू नो बहुत क्विक टेक, बहुत मजे मजे बैठे हो गए हमने आधे घंटे में रिकॉर्डिंग कर दी. और भाई ने बहुत अच्छा गाना लिखा है और आई वांट टू थैंक हिम फॉर द सॉन्ग. और आप मेरे को हर साल 5 से 7 करे लिखे दिया करो. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू भूषण जी, मिस्टर भूषण कुमार एंड द एंटायर टीम ऑफ टी सीरीज, राज भाई, शिवम, सोनल एंड विवियन. विदाउट द एफर्ट्स नथिंग इज पॉसिबल. मनन, यू मेड अ फैंटास्टिक सॉन्ग. थैंक यू सो मच. एंड लाइक ऑलवेज मनन इज अ वेरी गुड राइटर ऑल्सो. सो इसका जब गाना आता है तो वो एक तरीके से लिखा हुआ रहता है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज टू बेटर दैट थिंग. सो दैट्स द वे वी वर्क. एंड इफ यू रिमेंबर, सो हंबल ऑफ यू सर, बट यू नो अपने गाने के और छोड़ बदल के आपने उसको बहुत यू नो एक अलग ही मुकाम पे ले गए. हां, मैं बहुत गानों के साथ करता हूं. बट आई थिंक ये गाना मैंने और मनन ने फोन के ऊपर बनाया था.
ड्यूरिंग दैट टाइम फोन और व्हाट्सएप के ऊपर ये गाना बना था, बट अल्टीमेटली यू सी द रिजल्ट, इट्स फैंटास्टिक. That's amazing. Indeed it is. And now if I ask them questions, they are definitely going to hate me. Hence, ladies and gentlemen, without any further ado, let's open the floor to quick questions. Adria? Yeah. Yes. So, it doesn't look like it's short enough. How old was it in reality? Well, there were, thank you Shravan for acknowledging that, because we both were dying in that cold weather. It was minus eight there. And the last shot was where Guru is laying out there. We had to just be, and it had to be quick, so the entire team made sure that the setup was ready. And the moment we tried for one or two takes. I'll share the picture soon. That's what I was going to do today. Before and after. Before the shot, you were like, oh, like this. And after the shot, like, once the camera starts rolling, we're like, stop shivering. You know, so trust me, it's not easy. It wasn't. Guru ka song mein, you see that nose is bleeding. Mine was actually happening because of the low altitude. But all said and done, jab aap screen par dekhte ho, the only thing that goes inside an artist's head is that it's going to look good on screen, Ronald. Do not give up. That's the only thing that keeps repeating in my mind. And I think for the love of the beauty, and you know, the product should come out good. The film should, the song should look good. That's the only thing keeps me going. So I'm happy that we pulled it off. 3 days in Kashmir was quite chilly, very chilly. You did it in 3 days. That's amazing. And yes, you all made it look effortless. But shooting, jo composing, puri gaane mein banne mein jo mehnat lagti hai, that is something that none of us can imagine. Let's now move forward to our next question. Hello, Guru. Yes, hi Guru. सबको सबसे पहले बहुत-बहुत congratulations song के लिए. Amazing है. एक धमाका कल हुआ था, एक धमाका आज हो रहा है. सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा, आप दोनों के लिए कैसा था during the shoot and off shoot? हम पहली बार मिले थे सेट पे. वो जो पहला शॉट है, जो चर्च वाला शॉट है, वो हमने सबसे पहले शॉट करा था. एंड मैं थोड़ा बात कम करता हूँ, थोड़ा शाय हूँ. तो मृणाल ने मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल फील कराया. Look together, we have to make sure कि हमारा कनेक्शन लगे इन दिस सॉन्ग. सो पहले दिन it was okay, क्योंकि हम पहली बार मिले थे. बट जैसे जैसे शूट हो जा रहा था, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे ज़्यादा, तो we became friends, and उसके बाद it was very comfortable shooting. और मानना विराग सर, आपके लिए भी सवाल है कि कौन से डिसीजन आप लेते हो हमेशा सॉन्ग चूज करने के टाइम पे, क्योंकि लिरिक्स या म्यूजिक की बात करें आपकी, तो हमेशा वो एक अलग फैक्टर लेकर आता है लोगों के लिए हर बार. मानना आपके साथ भी और सर आपके साथ भी, तो कोई कॉन्शियस ऐसा डिसीजन होता है रिगार्डिंग म्यूजिक? लिरिक्स का मैं बता सकता हूँ. लिरिक्स जो होती हैं वो बहुत साधारण और सिंपल होनी चाहिए. उसमें किसी भी तरीके की यू नीड नॉट एक्सरसाइज योर क्रिएटिव मसल्स टू प्रूव अ पॉइंट. सो जितना सिंपल रहेगा ऑडियंस उससे उतना ज़्यादा रिलेट करेगा. बट हैविंग सेड दैट, थॉट जो बेसिक हुक होता है ना गाने का, नॉट द लिरिकल हुक, बट जो थॉट रहता है ना वो बड़ा होना चाहिए. जैसे इसमें मनन का थॉट था कि ऐसे ना छोड़ो मुझे, यू जस्ट कैन नॉट लीव मी लाइक दिस, आई लव यू सो मच. सो उसको शुरू से लेके अंत तक निभाना और एक ऐसी लिरिकल कहानी लिखना कि जिससे डायरेक्टर को भी हुक्स मिले शूट करने के लिए. सो दैट इज़ दी प्रोसेस दैट वॉज फॉलोड इन दिस. और मेलोडी तो खैर बेजोड़, मनन कम्स अप विद अ न्यू सेट ऑफ मेलोडीज ऑलवेज. हिज म्यूजिक इज़ डिफरेंट, हिज म्यूजिक इज़ नॉट द रेगुलर, उसकी खुद की आइडेंटिटी है. सो उसके ऊपर लिखना, जस्टिफाई करना इज़ चैलेंजिंग. और इतना काम करने के बाद यू गेट दीज काइंड ऑफ मेलोडीज, दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स, दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट इन योर थिंग, सो यू पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट सो दैट कि गाना जब रिलीज हो तो इंस्टेंटली वो कैच करना शुरू करें. अगर पहली लाइन आपने कॉम्प्लिकेट कर ली गाने की, तो हो सकता है मिस होने के चांस हो. सो इन दी ओपनिंग ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ यू हैव टू कम बैंक ऑन. So that's the process, that's the idea. The best part is, you know, जब गाना बनाते हैं तो obviously गाने के आगे भी कुछ parts add करने पड़ते हैं, या फिर कभी ऐसा लगता है like you know, मोशन से सेट के एक और इसमें part add करते हैं,
एंड जो सर ने बोला कि यू नो फर्स्ट 10-30 सेकंड्स के अंदर ही बैंग ऑन करते हैं सर, हर लाइन में बैंग ऑन ही करते जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बैंग ऑन बैंग ऑन बैंग ऑन, तो आपको लगेगा नहीं ये लाइन पहले लिखी गई थी या फिर ये लाइन बाद में लिखी गई थी, तो वो यू नो इट्स लाइक यू नो वंडरफुल वर्किंग विराग सर. थैंक यू सो मच. एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा सवाल आपसे, आपने जो है परफॉर्मेंस भी की है और जो है गाना भी गाया, तो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था और क्या नर्वस थे मृणाल के साथ, मतलब एज अ एक्टर? मैं एक्टिंग कर ही रहा हूँ अभी 5-6 सालों से, मतलब 7 साल हो गए अब तो गाने में, 3 मिनट के गाने में, तो मैं तगड़ा एक्टर हूँ. तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा मैंने, मैंने जस्ट नेचुरली रखा अपने आप को. मैंने जो मैं US स्कूलिंग करके आया था एक्टिंग की, वो वाला कोई भी लॉ नहीं लगाया इसमें, मैं उन्हें मैं क्या अगली फिल्म में लगाऊंगा. बट इसमें मैंने जस्ट जो मैं हूँ मैंने वैसे अपने आप को, क्योंकि मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, मैं एक्टिंग वाली जोन में चला जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ नॉर्मल में आ जाता हूँ. तो अभी मैं भी एक्टर हूँ, ये मैं नॉर्मल आ गया. तो मैं तब ऐसे करता था, तो मैं सेट पे जाता था, मृणाल हैरान हो जाती थी इसको क्या हो गया, फिर मैं ऐसे करता था चाय पीने में जाता था. तो मैं ऐसे करता करता एक्टिंग कर गया इस गाने में. एंड आई थिंक जो मेरा जो गाना है एक, उसको जब बंदा लिख भी रहा होता है या बंदा गा रहा होता है तभी एक फील आ जाती है कि इसको किस जोन का करना है. बिकॉज वी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम अपने गाने में खुद प्ले करते हैं करेक्टर फ्रॉम डे वन, सो हमें एक आसानी भी रहती है क्योंकि वी नो हाउ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अब वो शायनेस नहीं जो पहले होती थी. और बाकी अगली मूवी में मैं अपना वो करूँगा जो मैं US से सीख के आऊँ, वो एक्टिंग में आऊँगा. इसमें मैंने थोड़ा कम करा है. बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और एक्सप्रेशंस भी. हां मैंने अभी रिसेंटली मूवी एक अनाउंस कर ली हमने जैन फिल्म में, सब जस्ट साइन वन विद एंडमोल और TCS के साथ, तो कभी भी फिल्म कर लेंगे. बोशी सर इज आल्सो आफ्टर माय लाइफ की करते हैं कुछ, बट मैं अभी सोच रहा हूं कि उससे पहले मुझे एक एल्बम करनी है अपनी, वो उसकी तैयारी करता हूँ. और जैन फिल्म में एक्टिंग हमारी मूवी शुरू होने वाली है, सो उसके लिए भी तैयारी करती हूँ और आगे आने वाले सब, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक इजी प्लेटफॉर्म भी हो गया द वे फॉर एन आर्टिस्ट. एक टाइम पे यूट्यूब आया था कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थ्रू जो म्यूजिक ऑन यूट्यूब पर, जो है ऑडियंस जो आपको उस लेवल पर जज नहीं करती. सो राइट नाउ OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप यू कैन मेक व्हाटएवर मूवी यू वांट टू मेक, जिसमें आपको कोई ओपनिंग का डर नहीं है, जिसमें आपको कोई ये डर नहीं है कि उसकी फिल्म इतना ओपन हुई थी, मैं ऐसा न्यू कमर आऊँगा अगर मूवीज में तो क्या होगा. यू जस्ट नीड टू गिव गुड कॉन्टेंट और अगर वो हिट हो गया इट्स वर्ल्ड वाइड. राइट नाउ बहुत सारे शोज ऐसे हैं बाहर के जो हिंदुस्तान में आके बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो जाते हैं. रिसेंटली जो स्क्विड गेम्स भी चल रहा है, थिंक दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल्स. और मैं भी कुछ ऐसी इंडियन गेम लेके आऊँगा जो वर्ल्ड वाइड हिट करूँगा नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे, है ना? दैट्स द वे. What a question. You know, Nayan, I must say, like, while I was filming this song, and when I first read about, like, first Ashish, so our director, when he explained me the way he's conceptualized it, I felt like, oh my God, okay, that's really beautiful. And what had happened during, I'll share one experience with you. During COVID, there was a couple I knew. So the guy died. And with that trauma or shock, or the love between both of them was so immense that within 24 hours, the girl also, we just got to know that both of them are gone. She loved him so much, and I just felt like, oh my God, it really exists.
in a world like this today where love is dying, and I think through this song we just wanted to show it to the audience that you know it's a real pyar wo hota hai aur adhura pyar agar aap usse poocho to my god mat hi poocho to better hoga. I think the most romantic thing that has happened to me is through the movies, through the series. Yeah. Guru, you killed it. You look hot and sexy, and there's no spicy to bole gaye. There won't be a looking bad for you. You know, you look, you are a handsome hunk, but you look so romantic. No need to be chocolatey. But don't you think you'll be depriving your girl fans, women fans, because in the end you die. वो तो गाने में ना, उसके बाद तो मैं उनको मिल सकता हूँ. आपके साक्षात मिल रहे हो हमें आज. Thank you so much. I think story जैसी होती है वैसे when the boss gives you an order कि अब ऐसी story करनी है, Bhushan sir tells you कि ये story है, you have to follow this. So I love Bhushan sir so much कि वो whatever he says, I'm up for it always. And results are always better than जो हमने पिछली बार करा होता है. And अभी भी इसमें भी हमने जो story follow करी है, it's very new for me, new for everybody and for my audience also. So I hope they love it, and at the end also it's just a song, you know. Uske baad to main abhi hu hi. I think very shock. Can I add to that? I think girls may not get upset, but they must have died because they saw, because I get to be a part of this album, so I'm sure. you claim to be shy, but you don't seem to be shy. You know, how are you in real life? जो आप जिस तरीके से लोगों के सामने आते हो, जिस तरीके से लोग आपको पसंद करते हैं, उसके बाद लोग उसी चीज़ को आपको देखना वैसा पसंद करते हैं. सो this is me anyways off the camera, in front of the camera, that's how I am. I don't pretend to be somebody who's not in front of the camera and bahar jaake main kuch aur baat karu. I'm like this. Aap mujhe apne milna baad mein, hum aise hi baat karenge, chai pani peete hain. Aur I think everybody should be like this, kyunki usme phir at the end aap jab ghar jaate ho tab to aap akele hi ho, then you get to know your real self. To wo kyun na wahi ho jo sara din aap jisko carry kar rahe ho through your life. I live like this only, but I'm a shy guy. I'm a shy. Thank you so much, and thank you so much to our team, all our media members, for asking those brilliant questions, and thank you so much for seamlessly answering them effortlessly for all of us. And that's not it. Kashmir sirf wadiyon ke liye famous nahi hai. Kashmir is also food, very famous for its lovely food, and hence we've organized some delicious delicacies for all of you. Post event, I humbly invite all of you to kindly join us for the food ceremony as well. And on that note, we're going to end this event. Thank you so much once again for joining us, and needless to say, it is going to be one humongous success, and it is going to break all the records. One last time, let's make some noise for the entire team, everybody.